ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि यथायतः समेहसि ततो। कि जिस पावन पर्व में हम बैठे हैं, जिसे हम आप गौरी कहते हैं, गौरी घाट बोलते थे, अभी बीच में गौरी घाट के नाम से तालियों से सम्मानित करते हुए गौरी घाट के नाम से हम लोगों ने नामकरण किया है। और मैं साधुवाद देता हूँ, आज हमारे बीच में संस्कार धानी जबलपुर के सम्मानी जो सिद्धि रिद्धि से पारंगत माता काली के उपासक हमारे बीच में, जिस तरह से आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि महाराज श्री का 12 मार्च में गाजियाबाद में बड़े भाव से संत महंतों के बीच में ताजपोशी से महाराज श्री को श्री महामंडलेश्वर अनूप चेतन श्रीमान अनूप चेतन गर्ग महामंडलेश्वर पगलानंद महाराज जी के नाम से आज जगन्नाथ महाराज जी के नाम से वहां पर स्वस्ति वाचन और संतों के द्वारा आपको ताजपोशी पहनाया गया। और महामंडलेश्वर के नाम से हम गौरामत सभी आचार्य उनका अभिनंदन करते हैं, सभी भागवताचार्य सभी आचार्य वृंद माँ नर्मदा जी की जैसे अभी आपने आरती की आशीर्वाद लिए, पूज्य महाराज श्री के बड़े अच्छे उद्देश्य हैं, जैसे मठ मंदिर आज जहाँ तहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हमारे महाराज श्री उस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा जवालीपुरम राधे सत्संग मंडल साथ में है, हमारा पूरा आचार्य वृंद साथ में है, सभी आचार्य ब्राह्मण संत हमारे पूज गुरु जी के शरण में हैं। हम महाराज श्री से विनम्र आग्रह करेंगे कि महामंडलेश्वर की उपाधि पाकर के हम लोग बहुत आनंदित हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि हम आचार्यों को, हम भागवताचार्यों को, संत को, ब्राह्मणों को रोशनी दें और हम लोग को दिशा निर्देश दें सनातन धर्म के लिए। पूज्य महाश्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम वंदनीय माँ नर्मदा के पावन तट पर माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ के बड़े आशीर्वाद से मेरा जन्म यहीं पर हुआ है और माँ के बड़े आशीर्वाद से संत समाज में पशुपति अखाड़ा से मुझे महामंडलेश्वर विभूषित किया गया, और जो दायित्व मुझे दिया सनातन धर्म के विशेष संस्कृति धर्म, उसके लिए मैं आप सभी धर्म और विप्र वर ब्राह्मण बंधुओं का बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले जो पशुपतिनाथ अखाड़ा है वो मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है, कि व्यक्ति सबसे पहले मनुष्य बने और जन कल्याण के उपदेश से जीवन में जिस प्रकार के वेद वेदांत हैं उसे सही रूप पर और समाज में उसे प्रस्तुत कर सके। हमारे समाज में जितने भी मंदिर तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन प्राचीन मंदिरों की भी धरोहर हमारी भारतीय संस्कृति और समाज में वो मंदिर खंडर के रूप में डले हुए हैं, उनकी धरोहरों को फिर से पुनर्जीव स्थापना करने के उपदेश से रखरखाव हमारे ब्राह्मणों की, जहाँ जो वेद प्राठी हैं उन्हें समाज में, क्योंकि समाज में यदि वेद प्राथी जो ब्राह्मण हैं यदि समाज में वो नहीं आएंगे आगे तो समाज में वेदों की रूपरेखा लोगों को समझ में नहीं आएगी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं अग्रसर और सभी ब्राह्मणों के नित्य कार्य के लिए गौ पालन गौ व्यवस्था जो चल रही समाज में उनके लिए अग्रसर प्रयास में रहूँगा। और सभी पत्रकार बंधु सभी मीडिया बंधु का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि वो अपना बहुमूल्य समय लेकर यहां पधारे। मातु नर्मदे हर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पशुपताय नाथाय नमः। आप सभी को कोटि कोटि नमन। मैं पशुपतिनाथ अखाड़ा से महामंडलेश्वर हुआ हूँ और मुझे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की अलग जगाना है और सभी विप्रवर और वेद वेदांतों की सही रूपरेखा समाज के अंदर फैले, गौ व्यवस्था जितनी भी भंग है उसे व्यवस्थित किया जाए और साथ में जितने भी मंदिर टूटे डले हुए हैं
जो प्राचीन कालीन हैं और ब्राह्मण यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनकी पूजा नित्य नहीं हो पा रही है, वहाँ व्यवस्थित उन मंदिरों का पुनर्जीव उद्धार हो सके, जो गौ व्यवस्था उन पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सकूं, यही मैं कामना करता हूं कि मां नर्मदा मुझे आशीर्वाद दे और जिस कार्य के लिए मुझे दायित्व दिया गया है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से मैं कर सकूँ।